पिछले दिनों बटाला के नजदीकी गांव ढिलवा में अकाली दल के पूर्व सरपंच दलबीर सिंह का कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया। इसी के संबंध में बटाला के SSP दफ्तर के बाहर मृतक सरपंच दलबीर सिंह के पारिवारिक मेंबर के साथ पूरी अकाली दल पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा के मुर्देबाद के जमकर नारे लगाए। दलबीर सिंह ढिलवां दे कातल गिरफ्तार करो, प्रशासन मुर्दाबाद, पार्टी मुर्दाबाद। दलबीर सिंह ढिलवां दे परिवार नूं इंसाफ दिओ, परिवार नूं इंसाफ दिओ, इंसाफ दिओ, इंसाफ दिओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SSP बटाला ने कहा कि हमने तफ्तीश कर दी है, FIR दर्ज कर ली गई है और अलग अलग पुलिस पार्टियां बनाई गई हैं। बहुत ही जल्द दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कोटली सुरतमलिया पुलिस स्टेशन से ये विच डिस्ट्रिक्ट पुलिस की SIT जड़ी बनाती है, जिड़ी जिद विच एक SP, दो DSP, तीन SHO लीक इंस्पैक्टर लैवल के अफसर ने, जिहड़े मुलजम ने वो आइडेंटिफाइड ने, जिहड़े बाकी अननोन सी वो भी आइडेंटिफाई कर ले ने, उन्हां ते रेड वगैरह कर रहे हैं, जल्दी फड़े जाएंगे। तो सर जिहड़ा ये रूप आ रहा है कि पोलिटिकल प्रेशर अंडर हो रहा, कोई वो गल सामने निकल के आई? ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होंदी है ते ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां सामने आ जाणगियां, पर स्टिल जो FIR च लिखाया उहदे च कोई इदां दी गल नहीं। उधर अकाली नेता का कहना है कि हम लोग अपने अकाली दल के वफाक के साथ पारिवारिक मेंबर भी साथ लेकर आज रोष प्रदर्शन किया है और पुलिस से बातचीत दौरान हमने पुलिस को कहा कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, अगर पुलिस 2-3 दिन में दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। अकाली विधायक ने सारे इल्जाम कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा पर लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी को इंसाफ नहीं मिलने दे रही। दरअसल अज 100% ही नाकामी है। एक जुम्मेवार साढ़े सरबोट लीडर का दिन दिहाड़े बहुत ही बेरहमी का कतल कर दिया गया और मैं समझना कि वह कतल करने के बाद अज 8-9 दिन हो गए तो किसी सिंगल आदमी को अजे तक फड़िया नहीं गया। इन्नी नाकामी तो कभी हुई नहीं कि असी तो प्रोटेस्ट करने वास्ते आए हैं कि सानू कोई इन्हों पर विश्वास नहीं गा। ये जी जांच आ जाते हाई कोर्ट की मोनीटरिंग के अंडर जी करवाई जाए या CBI दी जाए ता कि दुध का दुध तो पानी का पानी जरा निकल के सामने आए, क्योंकि इतने कई सीटा बनिया, कई कुछ अगे होया और मैं समझना है भी जिस तरीके गल सामने आई आते तो फिर बदले होर भी जो सीनियर ने उन्होंने लिमीनेट करने की प्रपोजल जी सरकार बनाऊगी। ये साढ़े वास्ते मर मिटन का सवाल है और असी सारा जिला इकट्ठा हो गए, जे कि इन्होंने साड़ी इस गल के उत्ते इन्हों दी अखा ना खुलिया जाए करांगे और उन्होंने चर जाम करके रखेंगे जिन्ना चर सानू इंसाफ नहीं मिलता। अज ये धरना जिहड़ा लाया गया तुसीं सारे जानते जी कि जो बड़ा वड्डा इस सियासी कदर होया आ जिहदे बारे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, वो प्रोटेस्ट जो लाया आ और वो SSP साहब ने सानू इंश्योरेंस दवाई है कि असियाँ बहुत नेड़े आ जिहड़े लोग कातल ने जिन्हां ने काम किया होया असी विजिट 2-3 डेज तुहाड़ा जिहड़ा आ तुहानू ये जिहड़े कातल ने फड़ के उहदा रिजल्ट कढ के देंगे। असीं उहनां ते वेट करते हैं 2-3 दिन जे ना करनगे तो फिर अगली कार्रवाई की जाऊ। उधर परिवारक मेंबर्स ने भी रो रो कर सारे इल्जाम कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा पर ही लगाए हैं कि पुलिस मंत्री की शह पर ही कार्रवाई नहीं कर रही। की लगता है दलबीर सिंह मेरे पिताजी लगता है जो धरना लगा रहे कार्य समझ लगा रहे इंसाफ के संबंध में धरना लगाया गया हमें इंसाफ चाहिए था। किस चीज़ का इंसाफ सुना कातलों को फड़िया जाए हमें बस यही इंसाफ चाहिए उन्होंने सख्त तो सख्त सजा दी जाए। की कारण है कि हूँ तक सजा नहीं दी जा रही पुलिस वालों कोई दोषी फड़े नहीं गए? आ सारा सुखजिंदर रंधावा के दबाव हेठ पुलिस कुछ कर नहीं रही, साढ़े बयान सही नहीं लिखती पई। की मांग करते असी इंसाफ की मांग करते
सिर्फ सरकार अगे हाथ जोड़ के मिन्नत कर सकते हैं कि सानू इंसाफ चाहिए ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉੱਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ परिवार नूं पता है कि जिस तरीके नाल आपां हालत देखे लै गया कि परिवार उत्थे ही मतलब परिवार दे सब तों वड्डा मैंबर आ उही सारा कुछ देखण वाला उहनां नूं ही सारा कुछ पता कोई होर देखण वाला वी नहीं है तां की करिए असीं किहनां कोल जाइए किहनां नूं कहीए मजीठिया साहब आए ने उहनां ने साडी बांह फड़ी आ उहनां ने इत्थों तक बचाया सानूं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ